तो फ्रेंड्स, जो हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसके टर्मिनल जांचने की जो वोल्टमीटर विधि है वो पहली विधि हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे इसकी दूसरी विधि कि वोल्टमीटर की सहायता से हम दूसरी विधि और कौन सी है जिससे हम इसके टर्मिनल है वो जांच सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं वो भी। दूसरी विधि फ्रेंड्स इसी में ये वोल्टमीटर की है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे तीन वाइंडिंग के तीन सिरे हैं, तो हम एक वाइंडिंग के अंदर यहाँ पे कॉमन सिरे बना लेंगे। एक वाइंडिंग के एक एक सिरे हैं उनको कॉमन बना लेंगे, बाकी बच गए दो सिरे इनके अंदर सप्लाई देंगे, डायरेक्ट एसी सप्लाई देंगे। बाकी बच गए हमारे तीसरे वाइंडिंग के दो सिरे, तो इसको हम लगाएंगे वोल्टमीटर के अंदर। वोल्टमीटर अगर हमारे यहाँ पे कोई रीडिंग दे रहा है या कोई वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब हमने यहाँ पे जो पहले वाली दो वाइंडिंग थी उनके जो सिरे हमने कॉमन किए हैं वो सिरे हो गए हमारे पास असमान। अगर हमने यहाँ पे जो जोड़े जो बनाए हैं यहाँ पे कॉमन सिरे, अगर इनको सही जोड़ा है तो यहाँ पे हमारे वोल्टमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, मतलब हम समझ जाएंगे जो हमने कॉमन सिरे करे हैं वो यहाँ पे समान सिरे हैं। तो एक बार ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास दो वाइंडिंग है, उन दोनों वाइंडिंग के जो हमने पहले गांठ लगाई थी जिन सिरों पर उनको वापस से कॉमन कर लिया है। बाकी दो सिरे बच गए इनको हम लगाएंगे डायरेक्ट एसी सप्लाई में, और बाकी तीसरी जो हमारी वाइंडिंग बच गई उसके अंदर हमने वोल्टमीटर के कनेक्शन कर दिए। अब देखेंगे फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज हमारे पास कोई रीडिंग दिखा रहा है, वोल्टमीटर हमारे पास कोई रीडिंग दिखा रहा है, मतलब हमने जो सिरे बनाए हैं वो असमान सिरे हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स हमारी सप्लाई ऑन कर दी है, मोटर के अंदर सप्लाई जारी है। अब हमारा वोल्टमीटर यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे हमने जो ये सिरे जो है कॉमन किए हैं वो सिरे हमारे पास 1-1 ही सिरे हैं। अब हम इन सिरों को आपको पलट के एक बार दिखा देते हैं कि हमारा वोल्टमीटर उस टाइम पे रीडिंग दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैंने जो कॉमन सिरे हैं वो अलग कर दिए, एक गांठ लगा हुआ है एक बिन गांठ लगा हुआ है। अब जो गांठ लगा हुआ सिरा है और एक बिन गांठ लगा हुआ सिरा है इसके अंदर देंगे हम सप्लाई और फिर हम हमारे वोल्टमीटर को चेक करेंगे। तो देखो फ्रेंड, मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरा वोल्टमीटर है वो कुछ रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। आप एक बार इसको कैमरे को पास ले जाके दिखा दीजिए। एक बार मैं मोटर को बंद करके फिर एक बार मोटर की सप्लाई बंद करके चालू करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सप्लाई ऑन करता हूँ, अब देखना यहाँ पे कुछ रीडिंग हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से भी हम इसके सिरे हैं वो जांच सकते हैं। हमने जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी जो वोल्टमीटर से है टर्मिनल किस तरीके से जांचते हैं वो भी हमने दो तरीके से देख लिया है। तो इसी तरीके से जो वीडियो है वो हम लाते रहेंगे, और इससे पहले हम जो है इसके देखे थे स्पार्किंग विधि की, स्पार्किंग विधि से भी हम किस तरीके से इसके टर्मिनल जांचते हैं उसकी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और आई बटन के अंदर आपको इसका लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके जो कनेक्शन है वो हमारे स्टार्टर के अंदर किस तरीके से करते हैं उसकी वीडियो में हम आपके लिए जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।